गाइस आप लोग में से बहुत से बंदों की आईडी बैन हो जाती होगी और आप लोग सोचते होगे कि हमारी आईडी अनबैन होगी या फिर नहीं होगी। आप लोग बहुत सारे यूट्यूबर को मैसेज करते हो, डीएम करते हो, लेकिन कोई भी यूट्यूबर आप लोग के मैसेज का रिप्लाई नहीं करता है और आप लोग सोच लेते होगे कि मेरी आईडी अब अनबैन नहीं होगी। लेकिन गाइस आज की वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखना, मैं आप लोग की कैसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप लोग अपनी आईडी को एक दिन के अंदर अनबैन कर सकते हो। गाइस मैं आप लोग से दूसरे यूट्यूबर की तरह झूठ तो नहीं बोलूंगा कि आप लोग अपनी आईडी को एक मिनट में अनबैन कर सकते हो या फिर आप लोग अपनी आईडी को पांच मिनट में अनबैन कर सकते हो, क्योंकि गाइस ये पॉसिबल नहीं है। और गाइस कोई भी बंदा अपनी आईडी को एक मिनट में अनबैन नहीं कर सकता, चाहे फिर उसके पास वी वैज ही क्यों ना हो। लेकिन गाइस इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना, इस वीडियो में आप लोग को दो मेथड बताऊंगा जिसका यूज करके आप लोग अपनी आईडी को एक दिन के अंदर अनबैन कर सकते हो। लेकिन उससे पहले गाइस आप लोग को जानना होगा कि आप लोग की आईडी बैन किस लिए हुई थी। बहुत से बंदों की आईडी तो करीना बिना मतलब के ही बैन कर देता, और मेरी भी आईडी एक बार करीना ने बिना मतलब के बैन कर दी थी, जो कि मैंने अनबैन करा ली। और गाइस इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग ने अपनी आईडी में हैक यूज किया था या फिर नहीं किया था, अगर आप लोग ने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप लोग अपनी आईडी को एक दिन के अंदर अनबैन कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी स्ट्रिक का यूज करके अपनी आईडी को एक दिन के अंदर अनबैन किया था और आप लोग भी स्ट्रिक का यूज करके अपनी आईडी को एक दिन के अंदर अनबैन करा सकते हो। और गाइस इस वीडियो में आप लोग को दोनों मेथड बताऊंगा जो कि मैंने यूज किया था अपनी आईडी को अनबैन करने के लिए, और गाइस आप लोग भी वो दोनों मेथड को यूज करके अपनी आईडी को एक दिन के अंदर अनबैन कर सकते हो। लेकिन गाइस वो दोनों मेथड को बताने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि आप लोग को अपनी आईडी में क्या क्या गलती नहीं करनी जिससे आप लोग की आईडी बैन हो। तो गाइस सबसे पहले आप लोग को क्या करना है कि आप लोग को फ्री फायर में अपनी आईडी को लॉगिन नहीं करना, आप लोग को फ्री फायर मैक्स में ही गेम खेलना है, क्योंकि गाइस आप लोग पता है कि फ्री फायर अपने इंडिया से बैन है, और अगर आप लोग फ्री फायर में अपनी आईडी को लॉगिन करोगे तो आप लोग की आईडी बैन हो जाएगी। तो अब से आप लोग को फ्री फायर मैक्स में ही गेम खेलना है। और दूसरी बड़ी गलती जो प्लेयर करते हैं वो क्या करते हैं कि हैकर के साथ गेम प्ले करते हैं। गाइस अगर आप लोग हैकर के साथ गेम प्ले करोगे तो आप लोग की आईडी जरूर बैन होगी, तो इसीलिए आप लोग को हैकर को भी अपने फ्रेंड लिस्ट से लात मार के निकाल देना है। और गाइस बहुत से बंदे अपनी आईडी मिस्किन टूल का यूज करते हैं। गाइस अगर आप लोग अपनी आईडी मिस्किन टूल का यूज करते हो तो उसको तुरंत डिलीट कर दो, क्योंकि पहले के टाइम पे करीना स्किन टूल को डिटेक्ट नहीं कर पाता था, लेकिन अभी के टाइम पे करीना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। अगर आप लोग ने अपनी आईडी में स्किन टूल का यूज किया है तो गरीना आप लोग की आईडी को जरूर बैन करेगा, इसीलिए अभी जाके अपने फोन से स्किन टूल को डिलीट कर दो। और गाइस एक और गलती जिसकी वजह से आप लोग की आईडी बैन होती है, और ये गलती आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करनी है। बहुत से बंदे क्या करते हैं, गेम में जाते हैं, गेम में जाने के बाद बार बार उसको लीव कर देते हैं। गाइस अगर आप लोग गलती कर रहे हो तो इस गलती को करना छोड़ दो, क्योंकि इससे आप लोग की आईडी बैन हो जाएगी। जब आप लोग सीएस रैंक या फिर बीआर रैंक से लीव कर देते हो तो आप लोग के टीममेट को प्रॉब्लम होती है मैच को विन करने में, इसीलिए वो लोग आप लोग की आईडी को रिपोर्ट कर देते हैं और गरीना आप लोग की आईडी को बैन कर देती है। इसीलिए गाइस आप लोग को अब से मैच को बीच से ही छोड़ के नहीं जाना, अगर आप लोग ऐसा करोगे तो इससे आप लोग की आईडी बैन हो जाएगी। गाइस मैं जानता हूँ कि हम लोग के मैच के बीच में कभी कभी काम पड़ जाता है, लेकिन एक दो बार चलता, अगर आप लोग की गलती बार बार करोगे तो इससे आप लोग की आईडी गरीना परमानेंट बैन कर देगा। और गाइस एक और गलती जो कि आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करनी, आप लोग क्या करते हो थर्ड पार्टी वेबसाइट से टॉपअप करते हो। अगर गाइस आप लोग थर्ड पार्टी वेबसाइट से टॉपअप कर रहे हो तो उसे करना छोड़ दो, क्योंकि आज नहीं तो कल जब गरीना को पता चलेगा तो आप लोग की आईडी जरूर बैन होगी। और लास्ट गलती जो कि ज्यादातर प्लेयर करते हैं वो क्या करते हैं, अपनी आईडी को मल्टीपल डिवाइस में लॉगिन करते हैं। गाइस अगर आप लोग दो से ज्यादा डिवाइस में अपनी आईडी को लॉगिन करोगे तो गरीना आप लोग की आईडी को परमानेंट बैन कर देगा, तो अब से आप लोग को मल्टीपल डिवाइस में अपनी आईडी को लॉगिन नहीं करना है। तो गाइस मैं आप लोग को पहला मेथड बताता हूं जो कि मैंने यूज किया था अपनी आईडी को अनबैन करने के लिए। तो गाइस इसके लिए आप लोग को ट्विटर की जरूरत पड़ेगी, आप लोग को ट्विटर पर गरीना को ट्वीट करके बताना कि मेरी आईडी बिना किसी रीजन के बैन हो गई। तो चलो गाइस मैं आप लोग को बता देता हूं कि आप लोग को कैसे ट्वीट करना है। गाइस आप लोग को राइट साइड पे एक प्लस का ऑप्शन शो होगा, आप लोग को सिंपल उसके ऊपर क्लिक कर देना, फिर उसके बाद गाइस आप लोग को एक ऑप्शन मिलेगा जहां पे लिखा होगा ट्वीट का। आप लोग जैसे ही उस पर क्लिक करोगे आप लोग को कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा होगा, और गाइस यहां पे आप लोग को लिखना है डियर करीना टीम, रिसेंटली माय आईडी गॉट बैन विदाउट एनी रीजन, व्हेन आई वाज प्लेइंग द गेम आई हैव नॉट वायलेट एनी करीना गाइडलाइंस एंड आई हैव फॉलोड ऑल द रूल्स ऑफ कंडक्ट, प्लीज अनबैन माय आईडी। और फिर उसके बाद गाइस आप लोग को यहां पे अपनी आईडी और गेम का नाम डाल देना है, और फिर उसके बाद गाइस आप लोग को यहां पे गरीना को मेंशन कर देना है। जैसे मैंने यहां पे गरीना को मेंशन किया, आप लोग को सिंपली वैसे यहां पे गरीना को मेंशन कर देना है, और फिर उसके बाद गाइस आप लोग को राइट साइड पे एक ट्वीट का ऑप्शन मिल रहा होगा, आप लोग को सिंपली उसके ऊपर क्लिक करके ट्वीट कर देना है। और कुछ देर बाद आप लोग के पास गरीना का मैसेज आएगा और वो आप लोग से कुछ डिटेल मांगेंगे, आप लोग को सिंपली वो डिटेल उनको दे देना है, और फिर उसके बाद एक दिन के अंदर आप लोग की आईडी अनबैन हो जाएगी। और गाइस जो मैंने यहाँ पे लिखा था वो आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस ये था अपना पहला मेथड जिससे आप लोग अपनी आईडी को अनबैन करा सकते हो। तो चलो गाइस अब मैं आप लोग को बताता हूँ सेकंड मेथड, आप लोग को दोनों मेथड यूज करना तभी आप लोग की आईडी अनबैन होगी। गाइस आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउजर को ओपन करना और उसे डेस्कटॉप साइट पे कर देना है। और गाइस यहाँ पे आप लोग को सर्च करना है गरीना हेल्प सेंटर, और जैसे आप लोग इसको सर्च करोगे आप लोग को कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। और गाइस यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, आप लोग को जो पहली वाली लिंक शो हो रही होगी आप लोग को सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। और गाइस यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आप लोग ने एक भी पॉइंट को स्किप किया तो आप लोग की जो आईडी वो अनबैन नहीं होगी। और गाइस फर्स्ट नंबर पर जो गरीना फ्री फायर लिखा हुआ आप लोग को सिंपली उस पर क्लिक करना, और जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे आप लोग को कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। और गाइस राइट साइड पर आप लोग के
ऑप्शन शो हो रहा होगा साइन अप का और आप लोग को उस पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद गाइस आप लोग को यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे होंगे। आप लोग ने जिस अकाउंट से भी अपनी फ्री फायर की आईडी बनाई थी आप लोग को सिंपल उससे लॉग इन कर लेना है। और गाइस एक चीज का आप लोग को ध्यान देना कि आप लोग को वही अकाउंट से लॉग इन करना जो अकाउंट आप लोग का बैन हुआ है। बहुत से बंदे क्या करते हैं अपनी दूसरी आईडी से लॉग इन कर लेते हैं जिसकी वजह से उनकी आईडी अनबैन नहीं होती है। तो गाइस मैंने अपनी फ्री फायर आईडी फेसबुक से बनाई थी तो मैं उसी से लॉग इन कर ले रहा हूँ। और गाइस मैं आप लोग को एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि आप लोग को वही आईडी से लॉग इन करना जो आईडी आप लोग की बैन हुई है। और गाइस जैसे ही आप लोग लॉग इन कर लोगे आप लोग कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। और गाइस यहाँ से आप लोग के सुडो को पूरा ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट को पूरा ध्यान से देखना, तभी आप लोग अपनी आईडी को अनबैन कर पाओगे। फिर उसके बाद गाइस आप लोग राइट साइड पे देखना कि आप लोग को वही नाम शो हो रहा होगा जिस नाम से आप लोग की फ्री फायर आईडी बनी थी। आप लोग को सिंपली राइट साइड पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद गाइस आप लोग को वहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा होगा जिसमें लिखा होगा सबमिट अ रिक्वेस्ट। आप लोग को सिंपली उस पर क्लिक करना है और जैसे ही आप लोग उस पर क्लिक करोगे तो आप लोग को कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। फिर उसके बाद गाइस आप लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करना तो आप लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा होगा जिसमें लिखा होगा बैन अपील। आप लोग को बैन अपील वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है क्योंकि आप लोग की आईडी बैन हुई, इसलिए आप लोग अपनी आईडी को अनबैन कराने के लिए बैन अपील वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। और गाइस जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे आप लोग देखना कि आप लोग कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। और गाइस यहाँ पे आप लोग देखना कि आप लोग की जो गेम की आईडी और गेम का नाम था वो ऑटोमेटिकली ले लिया जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आप लोग को दो चीजें फिल करनी है। तो सबसे पहले चीज आप लोग को यहाँ पे फिल करना है बैन का स्क्रीनशॉट। जब गाइस आप लोग अपनी आईडी को ओपन करोगे आप लोग कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आप लोग सिंपली इसी का स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर उसके बाद गाइस मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग को इसको कैसे अटैच करना है। और गाइस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो डिस्क्रिप्शन। आप लोग को डिस्क्रिप्शन बिल्कुल सही से लिखना है क्योंकि इसी को पढ़ के गरीना आप लोग की आईडी को अनबैन करेगा। तो चलो गाइस मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन दिखा देता हूँ कि आप लोग को कैसे लिखना है। तो गाइस जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रिसेंटली माय आईडी गॉट बैंड विदाउट एनी रीजन व्हेन आई वाज प्लेइंग द गेम। आई हैव नॉट वायलेट एनी गरीना गाइडलाइंस एंड आई हैव फॉलोड ऑल द रूल्स ऑफ कंडक्ट एंड आई एम श्योर दैट यू हैव बैंड माय अकाउंट फॉर नो रीजन। आई एम अटैचिंग द स्क्रीनशॉट, काइंडली प्लीज लुक इनटू इट एंड अनबैन माय आईडी एज सून एज पॉसिबल। तो गाइस यहाँ पे मैंने लिखा है कि मेरी आईडी बैन हो गई वो भी बिना किसी रीजन के और मैंने कोई भी हैक का यूज नहीं किया है और मैं गरीना के सारे रूल्स और पॉलिसीज को जानता हूँ और मैंने कोई भी गरीना का रूल वायलेट नहीं किया है। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी आईडी को जल्द से जल्द अनबैन कर दो क्योंकि मैंने कोई भी गरीना का हैक यूज नहीं किया या फिर मैंने कोई भी गरीना की पॉलिसी वायलेट नहीं की है। तो उसके बाद गाइस आप लोग को अपनी यहाँ पे गेम की आईडी और गेम में जो नाम था वो भी यहाँ पे फिल कर देना है और उसको कॉपी कर लेना। और ये पूरा टेक्स्ट मैं आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से भी कॉपी कर सकते हो। और उसके बाद गाइस आप लोग को अपने क्रोम ब्राउजर में चले जाना। फिर यहाँ पे आप लोग एक ऑप्शन शो होगा जहाँ पे लिखा होगा स्क्रीनशॉट ऑफ बैन मैसेज। आप लोग को सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद गाइस आप लोग को यहाँ पे एक और ऑप्शन शो होगा जहाँ पे लिखा होगा प्राइवेसी पॉलिसी। आप लोग को सिंपली उसके ऊपर भी क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद गाइस मैंने आप लोग को जो टेक्स्ट कॉपी करने के लिए कहा था आप लोग को सिंपली उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और गाइस यहाँ पे आप लोग को एक चीज का ध्यान देना कि आप लोग को यहाँ पे अपनी यूआईडी डालनी है। अगर आप लोग मेरी यूआईडी डालोगे तो आप लोग की आईडी अनबैन नहीं होगी। और फिर उसके बाद गाइस आप लोग को यहाँ पे बैन का स्क्रीनशॉट अपलोड कर देना जो कि मैंने आप लोग को पहले दिखाया था। आप लोग को सिंपली उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। और फिर उसके बाद गाइस आप लोग को नीचे की तरफ एक सबमिट का ऑप्शन शो होगा। आप लोग को सिंपली उस पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। और लिटरली गाइस मुझे अपील करे हुए एक दिन भी नहीं हुआ था लेकिन मेरी जो आईडी थी वो अनबैन कर दी थी गरीना ने। और गाइस आप लोग को भी यही करना, कम से कम अपील करने के बाद 18 घंटे तक का वेट करना। फिर उसके बाद गाइस आप लोग को अपनी आईडी को ओपन करना है और जैसे ही आप लोग अपनी आईडी को ओपन करोगे आप लोग की आईडी मेरी तरह अनबैन हो जाएगी। तो मैंने जो भी प्रोसेस बताया आप लोग को सिंपली उसको फॉलो करना है, फिर आप लोग भी मेरी तरह अपनी आईडी को अनबैन कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग को फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरी इंस्टाग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग मुझसे वहाँ पर डायरेक्ट बात कर सकते हो, मैं आप लोग की हेल्प कर दूंगा। और इस वीडियो के एंड में मैं आप लोग से बस इतना कहना चाहता हूँ कि अपनी आईडी को किसी भी भरोसे वाले फ्रेंड को ना देना क्योंकि भरोसे वाला ही समझ रहे हो। तो गाइस ये दोनों मेथड जो मैंने आप लोग को इस वीडियो में बताए आप लोग को सिंपली वो दोनों मेथड को यूज करना है। और गाइस मैं आप लोग से प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप लोग ने ये दोनों मेथड को यूज कर लिया तो आप लोग की आईडी 100% एक दिन के अंदर अनबैन होगी। लेकिन अगर आप लोग को फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही तो मेरी इंस्टाग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग मुझसे वहाँ पे डायरेक्ट बात कर सकते हो। और गाइस मैं आप लोग से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आप लोग की हेल्प 100% करूंगा। आई होप गाइस आप लोग के जितने भी डाउट थे वो सब क्लियर हो गए होंगे। तो फिर गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय।